अरे भाई से निकल जाएगी वही बंद नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, आज आया हूँ बुकसोरा में। जो भाई ने मेरे को कॉल किया है और मैं यहाँ पे किसने रेस्क्यू के लिए आया हूँ और वो सांप यहीं पे बैठा है, अभी मैंने उसको देखा है। तो इससे पहले कि हम कट्टा खा लेते हैं, और मैं ये फोन है किसी के पास लाइट जला के, तो वो सांप यहाँ पे बैठा है, तो देखते हैं कौन सा सांप है। तो सांप इस कट्टे के नीचे बैठा है और भूसा का घर है, अनाज वनाज रखा है। यहाँ पे साला दूसरा है क्या? अरे ये साला चूहा ये है, ये देख लिया। तो यहाँ पे कोबरा स्नैक है, तो ये देखिए किस प्रकार से पीछे से हट जाओ। ये एक कोबरा है, ये है वो सांप जिसके लिए भाई लोग बहुत ही परेशान थे। तो सांप पहले किसने देखा? अच्छा इस लड़की ने देखा, चलो अच्छी बात है आपने देखा। घर पे बोला, इससे ये हुआ कि घर वालों को भी पता चल गया, हम भी टाइम से आए और हमने इसको रेस्क्यू किया। अरे वो लड़का तो खाना खा रहा है, किस प्रकार से तभी तो डर लगा मेरे को। पलट के देखो मैं तो बहुत ही प्यारा सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा। तो भाई कभी सांप काटे ना तो कोई बाबा के पास मत जाना, ठीक है? वजह गुनी के चक्कर में जाओगे तो मारे जाओगे, सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि बीज जब खून पे चढ़ता है ना तो उस टाइम में कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए हॉस्पिटल में जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए एक बार हम दिखा देते हैं, ऐसे करके लेटी पड़ी ना, ऐसे पलटी तो होती है। बहुत ही छोटा सांप है ये, एक एक डेढ़ दो साल का ऐसा ही होगा। आजकल सांप का सीजन है और तुम्हारे यहाँ तो थोड़ा पेड़ पौधे भी है, कबाड़ कुबाड़ भी पड़ा होगा आसपास। और मेन बात ना, वहाँ पे चूहा तो देखा ही था हमने, और वहाँ पे अनाज वनाज भी डाल के रखा है। इस चक्कर में ना अनाज खाने के लिए चूहा आता है, चूहा खाने के लिए सांप आता है। सही बात है, एक मतलब एक इको सिस्टम है ना, क्योंकि हर चीज हर दूसरे चीज पे निर्भर रहता है। तो बहुत ही प्यारा कोबरा है, अभी हम इसको ले जाएंगे। देखो तो कट्टा कट्टा दे दे, कट्टा दे दे, कट्टा दे दे, भाई लोगों को दे दो कट्टा। अरे कोई सा तो दे दो, अरे कोई सा भी दे दो। और इसका शरीर भी बहुत ही गर्म है, और आज बारिश हुआ ना, बारिश के कारण ना घुस गया वो घर के अंदर, भूसे के अंदर है ना, इसीलिए गर्म है। काली कट्टा दे दे, अंदर से पकड़ा, अंदर से, अंदर से पकड़ा है। तभी हम इसको पैक करेंगे और इसको ले जाके एक अच्छी जगह में रिलीज करेंगे। संजय के पास चला जाता हूँ, वहाँ पे भी नंबर है मेरा। अरे तो चलो आप नंबर आपका, संजय के पास, गोविंद के पास। अच्छा देखिए किस प्रकार से फल मिला है, वहाँ से बहुत देर में नंबर मिला। ले आओ ले आओ जल्दी ले आओ, अरे जल्दी लिया कट्टा, कट्टा ही नहीं है। अब मेरा गाड़ी पे रहता ना, मैं अभी वो घर में छोड़ गया, मम्मी ने निकाल लिया। कह रहा है गाड़ी में क्या कर रहा है कट्टा, बम्बू के अंदर मरवा दे आसानी से आगा ना, खाली कट्टा ना भरो। क्या खाली करवा के ला रहे हो क्या? कर रहे कुछ भी दे दो, नेट में किस नाम से निकलेगा? हम लोग
लोग आए बुकशोरा में, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अंकल जी निकाल दिया, कोई डर है? अरे नहीं, पता लगा तभी तो आपको मैं गया। अच्छा अच्छा, वो आपने वहाँ से पकड़ा था ना? जानते हैं ना। चलो कोई बात नहीं अंकल, आगे कभी भी जरूरत हो। मेरा बात सुनो, आपने वहाँ पकड़ा था वो उनके खाने वाले घर में से? हाँ उधर तो मैं जाता रहता हूँ। हाँ तो जिसने फोन किया उनके बगल में गया, तो मेरे को पता लगा था इसीलिए मैं गया उनके पास। चलो ठीक है, अंकल को पता लगा, अंकल ने मेरे को कॉल किया, और आगे से कभी भी आए किसी भी टाइम, रात हो दिन हो कभी भी हो, एक कॉल करना आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, नंबर आपका वहीं से लिया तो सेव करवा लेंगे। अंकल जी कैसे, अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो आप डरो मत, बिल्कुल डर हट गया। थोड़ा साफ सोफ कर देना, वहाँ कबाड़ कबाड़ है।